अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन ड्रामा से जख्म के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि आरिफ साहब जो कि अफ़ान से मिलने पर आते हैं उससे मिलने। अफ़ान कहता है कि देखिए अंकल, मुझे आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी थी इसलिए मैं आपके पास आया हूँ। जिस पर आरिफ कहता है कि बात तो मुझे भी करनी थी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, मैंने तुम्हें पहचानने में देर कर दी। जिस पर अफ़ान कहता है कि मैं आपको बस ये बताना चाहता हूँ कि मेरे और अरीज के बीच कभी भी कोई ऐसी बात नहीं रही। जिस पर आरिफ कहता है कि अगर ऐसा कुछ भी नहीं था तो उस दिन तुमने वो मैसेज क्यों किया अरीज के नंबर पर, जो कि मैंने खुद पढ़े थे। जिस पर अफ़ान कहता है कि हाँ, उस दिन वो मेरे पहले और आखिरी मैसेज थे, उसी दिन मैंने अरीज को प्रपोज किया था, लेकिन वो तो बिल्कुल बेकसूर थी। आरिफ कहता है कि कैसे बेकसूर थी, तो मुझसे मोहब्बत करते थे, आखिर उसे भी तो इस बात का इल्म होगा ना। जिस पर आफान कहता है कि नहीं, मेरा यकीन कीजिए कि वो इस बात से बिल्कुल बेखबर थी, उसे तो बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था। जिस पर आरिफ कहता है कि जो कुछ भी हुआ ना, मैं जानता हूँ कि गलत हुआ है, रीज के साथ ये सब नहीं होना चाहिए था। जिस पर आप देखेंगे कि आफान कहता है कि आप किसी भी तरह सिकंदर से उसका पीछा छुड़वा लीजिए, वो आपकी बेटी का जीना हराम करके रखा हुआ है। ये सब देखेंगे आने वाले एपिसोड में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, फिर मिलते हैं, इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह।